प्रेम शुक्ला इसका जवाब दीजिए, हिंदू आपके लिए वोट करता है उसको संगठित होना कहते हैं, मुसलमानों को जिहादी बता देते हैं, ये कैसी भाषा है? आपके दिमाग का कचरा कह रहे हैं संजय राउत उसे। देखिए पद्मजा जी, ये वोट जिहाद शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई आप ही ने बताया। मारिया आलम भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता तो है नहीं, श्रीमान सलमान खुर्शीद जी की भतीजी हैं और समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, और उस समय जब उन्होंने वोट जिहाद शब्द का प्रयोग किया और वोट जिहाद का ऐलान किया, तब पूरे चुनाव में पद्मजा जी आपने कहीं सुना कि राहुल गांधी ने उसका विरोध किया, श्रीमती सोनिया गांधी ने उसका विरोध किया, प्रियंका वड्रा ने विरोध किया, अखिलेश यादव ने विरोध किया, असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध किया, किसी ने विरोध किया क्या? किसी ने ये अपील की क्या कि नहीं नहीं वोट जिहाद की जरूरत नहीं है? क्योंकि तब वोट जिहाद रणनीतिक ढंग से करने पर इंडी अलायंस के तमाम घटक दल आमादा थे, और आपने ये कैसे हुआ पद्मजा जी, आप ही के चैनल के पीसीआर ने पूरे आंकड़े लोगों के सामने रखे हैं। अब श्रीमान संजय राउत कह रहे हैं कि वोट जिहाद कचरा है, तो वो श्रीमान बाला साहब ठाकरे को कचरा कह रहे हैं। अब श्रीमती सोनिया गांधी की शरण में जाने के बाद हिरवा वोटर किसको कहते थे बाला साहब ठाकरे? शिवाजी पार्क की जमीन पर खड़े होकर 1990 में, 95 में, 99 में, 2000 में, 4 में, 9 में, 12 में, लगातार विविध चुनाव में हिरवे मतदार बाहर पड़ती, ये हरे वोटर बाहर निकलेंगे, और हिंदुत्व का ऐलान क्यों करते थे? और हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ने पर, हिंदुत्व के नाम पर जब चुनाव लड़ा गया तो यही कांग्रेस के लोग, यही समाजवादी पार्टी के लोग कोर्ट में गए थे और अदालतों में जाकर, और धर्म विशेष के जजों ने, धर्म विशेष के जजेज उन्होंने जो है जो हिंदुत्व के आधार पर चुनाव लड़े थे, ऐसे विधायकों के निर्वाचन को रद्द कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस जेएस वर्मा ने हिंदुत्व को भारत की सांस्कृतिक जीवन का पर्यायवाची बताया। उसके बाद जो है वही बाला साहब और मनोहर जोशी बनाम भावराव पाटिल का केस है। मनोहर जोशी शिवसेना के प्रत्याशी थे और शिवसेना के मुख्यमंत्री थे। शिवसेना के मुख्यमंत्री जो हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़े, वो कचरे पे चुनाव लड़े थे, ऐसा संजय राउत का कहना था। बाला साहब ठाकरे कचरा बेच रहे थे, उनके दिमाग में कचरा भरा हुआ था। अरे साहब, उनके दिमाग में कचरा नहीं था। आप जो है इस समय श्रीमती सोनिया गांधी की शरण में जाकर कचरा अपना करा चुके हैं। ठीक है, इससे पहले कि किशोर तिवारी का जवाब दे, सबसे ज्यादा लोगों को आपत्ति है जिहाद शब्द से। आप ये कही ना कि मुसलमानों ने एक स्ट्रेटजी के तहत वोट दिया है या मुसलमान सब साथ होकर के वोट दे रहे हैं, ये जिहाद शब्द क्यों ला रहे हैं? ये तो सिर्फ पोलराइज करने का तरीका है। आप जिहाद बोल देते हैं, वोट जिहाद, मारिया आलम को सुधारना चाहिए था ना पद्मजा जी, तो मारिया आलम से माफी पहले मंगवाइए, कांग्रेस माफी मांगे, सपा माफी मांगे पहले। वारिस पठान, आपको ये वोट जिहाद गलत शब्द प्रयोग किया गया था, आपको ये जस्टिफिकेशन सही लग रहा है? जो कांग्रेस ने बात शुरू की, सपा ने बात शुरू की, भाजपा तो बस उसको एक कदम आगे ले गई कहने की देखो जी हो रहा है ये। हम उनके शब्द को अगर प्रयोग में ला ले रहे हैं तो गलत। कांग्रेस सुनिए, मैं कांग्रेस शब्द का प्रयोग करिए करें। शुक्ला जी दो मिनट। मैं कांग्रेस या सपा, सुनिए, मैं शुक्ला जी, मैं सपा का या कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं एक चीज चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। आप बोलिए देवेंद्र फडणवीस को माफी मांगे, मुझे यकीन है लोग अपने अपने अल्फाज वापस ले लेंगे। चलिए पहले बोलिए देवेंद्र फडणवीस जी को माफी मांगने के लिए, उन्होंने जो अल्फाज वोट के वोट पहले मारिया आलम माफी मांगे, क्या फ्री एंड फेयर, पहले राहुल गांधी माफी मांगे, आपको से ज्यादा बोलेंगे डर लग रहा है। पहले आप तो मंगवा लो माफी, पहले आप माफी मंगवा लो पूरे राज्य के सामने उप मुख्यमंत्री से, क्या भाई मैंने संविधान की शपथ ली थी, अब मैं संविधान का उल्लंघन किया, मैंने इस तरह जिहाद का नाम लिया, एक तरह के लोगों को मैंने टारगेट किया, तो मैं माफी मांगता हूँ। माफी मांग ले तो क्या होगा, तो शायद ये लोग भी माफी मांग लेंगे। उल्लंघन नहीं है, नाक रगड़ के ओवैसी को माफी मांगना पड़ेगा। आपको जो वोट नहीं दिया वो कहता है कि बाबा चले जाएंगे तो कहां जाओगे, हिंदुओं को दिया, वो एंटी नेशनल हो गया, हिंदुओं को धमकाने वाले यजीद, ये सारी चीजें वैसी को नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। पढ़ लिया करो, कहते मोदी और बाबा चले जाएंगे, तुम लोग कहां जाओगे? ठीक है, दोनों ही तरफ कोई क्या बोला, नाक रगड़ के माफी मांगे को बोलो प्लीज।